In chapter 2, we read about the wise men who came to meet Jesus. You know the story. अध्याय दो में हम विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं जो कि यीशु से मिलने आए थे. कहानी आप सब जानते हो. But it says there was one foolish thing they did. They were supposed to be wise. यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने एक मूर्खता का काम किया, हालांकि उन्हें बुद्धिमान बनना चाहिए था. But even wise people can do foolish things sometimes. कभी कभी जो बुद्धिमान होते हैं वो भी मूर्खता के काम कर जाते हैं. You know, and there's a warning for us. और यहाँ पे हमारे लिए एक चेतावनी है. It says that they followed the star for many hundreds of miles. I don't know whether they came from Iran or somewhere there. यहाँ पे कहा गया है कि उन्होंने उस तारे का पीछा किया सैकड़ों मील दूर तक. मैं नहीं जानता कि वो कहीं ईरान से आए थे या फिर उसके आसपास के कोई जगह से. They followed the star, and the star is a picture of the word of God. उन्होंने उस तारे का पीछा किया, और तारा जो है परमेश्वर के वचन का चित्र है. And that word of God would have led them to Christ. और वो परमेश्वर का वचन उनकी अगुवाई मसीह की तरफ करता. The word of God always leads you to Jesus. You just got to follow it. परमेश्वर का वचन हमेशा आपकी अगुवाई यीशु की तरफ करता है. आपको सिर्फ उसका पीछा करना होता है. They followed the star, and then they know the star. They knew the King of the Jews is born. उन्होंने उस तारे का पीछा किया, और तारे के कारण वो जानते थे कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है. And they followed the star, and they came to Jerusalem. उस तारे का पीछा करते हुए वो यरूशलेम पहुंचते हैं. Where a king's palace was there. जहां पर एक राजा का महल था. And then these wise men became foolish. फिर ये जो विद्वान होते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं. They said, "Oh, now we've come to Jerusalem. We don't need the star anymore." उन्होंने कहा कि अब तो हम यरूशलेम पहुंच चुके हैं, तो हमें अब तारे की कोई आवश्यकता नहीं है. We know where the king's palace is. Naturally, the king will be born in a palace. हम जानते हैं कि राजा का महल कहाँ पर है, तो स्वाभाविक रूप से राजा का जन्म वहीं पर होगा. And that's where they were stupid. और वहाँ पे वो मूर्ख बन जाते हैं. And they went to the king's palace to find if the king was born there. And they said, "We never heard about any king here being born." और जब वो राजा के महल में जाते हैं ये पता करने के लिए कि क्या यहाँ पे कोई राजा का जन्म हुआ है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने तो किसी राजा के जन्म होने के बारे में सुना ही नहीं है. So those wise men had to humble themselves. फिर उन विद्वानों को अपने आप को नम्र करना पड़ा. And it says they came out from the king's palace. और यहाँ पे कहा गया है कि वो उस राजा के महल से बाहर आते हैं. And verse 10, again they saw the star. और दसवें वचन में फिर से उन्हें वो तारा दिखाई देता है. And decided to follow the star, and the star led them to a small little hut. और फिर वो निर्णय लेते हैं कि उस तारे का पीछा करेंगे, और वो तारा उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी की ओर लेकर जाता है. They went inside. And the king was there. वो अंदर जाते हैं और राजा वहाँ पे होता है. You know, if you follow the word of God, आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन का पीछा करेंगे, it will lead you to Jesus. वो आपकी अगुवाई यीशु तक करेगा. And it will lead you to where Jesus is found today. और वो आपकी अगुवाई उस जगह पर करेगा जहाँ पर यीशु आज पाया जाता है. And Jesus is not found in the big grand buildings among the rich. और यीशु जो है बड़े शानदार इमारतों में नहीं पाया जाता, अमीरों के बीच में नहीं पाया जाता. Jesus is found among simple poor people. यीशु पाया जाता है साधारण से गरीब लोगों के बीच में. Who love him and want to follow him. They may be meeting in a little hut. जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसका पीछा करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो छोटी सी झोपड़ी में मिलते हों. Follow the star. Don't be foolish like the wise men, where at a certain point you say. उस तारे का पीछा कीजिए. उन विद्वानों की तरह मूर्ख मत बनिए जो कि एक मोड़ पर आकर कहते हैं. Now I don't need to follow the word of God. I can use my reason. अब मुझे परमेश्वर के वचन का पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं अपना अनुमान लगा सकता हूँ. You will go wrong. आप गलत हो सकते हैं. Follow the star.
till it leads you to Jesus. आप उस तारे का पीछा कीजिए जब तक वो आपकी अगुवाई यीशु की तरफ नहीं करता।